बेटा हम छेवीं क्लास का अध्याय 12 की अभ्यास 12.2 शुरू करन जा रहे हैं। ध्यान देखना सारे ने 12.2 अभ्यास में किया जा रहा है कि हेठा लिखिया राशियां समान अनुपात में हैं। बेटा हूँ असं समान अनुपात बारे पढ़ने जा रहे हैं। अनुपात समान प्रपोर्शन है कि नहीं है, रेशोज आर इन प्रपोर्शन और नॉट कि पता लगता है। बेटा सानू चार अनुपात दिते होंगे ने, असं की करते हैं जे पहले तो चौथे मतलब इनू कहने अंत पदा का, अंत पदा का ये चार पदा ने ना, अंत पदा जिहड़े इधरों अंत के जिहड़ा स्टार्टिंग दे विचों है ते जिहड़ा एंड विचों है, अंत पदा का गुणनफल कर लो ते फिर मध्य पदा का गुणनफल कर लो। जे दोनों की गुणा बराबर आ गई तो प्रपोर्शन या समान अनुपात विच हैगे, नहीं तो नहीं है। तो देखो मैं की लिखा, अंत पदा का गुणनफल 15 × 120। हुण 15 नूं जदों असीं 120 नाल गुणा करांगे साडे कोल कितना आ गया है, 1800 आ गया है। देखो बेटा 15 नूं तो 120 नूं जे असीं गुणा करिए, 0 × 5 = 10, 0 + 1 5 × 1 = 6 गुणा 1 नाल गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो साढ़े को बेटा कितना आ गया देखो 1800 आ गया है। फिर असी मध्य पदा का गुणनफल करना है 45 × 40 नाल। जे असी 45 × 40 नाल गुणा करा तो 0 0 5 = 20 0 + 2 4 × 16 तो 2 = 18 साढ़ा फिर 1800 आ गया है। देखो ये भी बराबर आ गया, असी लिख लिया है अंत पदा का गुणनफल बराबर आ गया है मध्य पदा का गुणनफल, तो इसलिए ये जड़े साढ़े को चार पद दिए गए थे वो समान अनुपात विच हन। है ना कितना सौखा सवाल बेटा, सिर्फ पहली रकम को खीली रकम में गुणा करनी है तो विचकारलियां रकमों में गुणा करनी है, जो बराबर आ गया तो समान अनुपात होंगे नहीं तो नहीं होंगे। इसी तरह इंग्लिश वाले बच्चे बेटा देखो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, अब अंत पदा कहने एक्सट्रीम्स उन्होंने गुणा करके मैं तुम्हें हमने ही दिखाया है 1800। प्रोडक्ट ऑफ मीनस 1800, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीनस, सो दीज आर इन प्रपोर्शन। बहुत ही सौखे ढंग सवाल को खत्म किया है, कोई कटिंग करन की लोड़ नहीं होगी। इसे तरह इसका दूजा भाग देखो बिल्कुल सेम तरीके नाल तुहानू हल करके दस्या है, 33 121 9 96। सब तो पहला असी अंत पदा का गुणनफल पता करांगे जो कि 33 96 नाल गुणा करके आएगा, फिर मध्य पदा का गुणनफल पता करांगे जो 121 9 नाल गुणा करके आएगा। तो सर बड़ा 96 असी 33 नाल गुणा करन जा रहे हैं, 6 3 18 8 + 1 9 3 27 1 28 6 3 18 8 + 1 9 3 27 1 28 साढ़े को आ गया 8 8 8 16 6 + 1 8 2 10 11 1 + 1 3168 जो कि साड़ा आंसर आ चुका है। तो 121 नौ ना करिए 9 1 9 9 2 18 8 + 1 9 1 10 10 8 9 आ गया जो कि बराबर नहीं आए ना, असं लिख लिया देखो मध्य अंत पदा का गुणनफल बराबर नहीं आया मध्य पदा के गुणनफल दे, इसलिए ये चारे पद जे समान अनुपात विच नहीं हन। सेम इसी तरह ही इंग्लिश वाले बच्चे लिखणगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, सेम देखो बस इनू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखे, बाकी सारा सेम है। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर नहीं है प्रोडक्ट ऑफ मीन दे, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। सिंपल बेटा इसी तरह से इसका तीजा भाग करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो तीजे भाग के देख सकते हो कि अंत पद ने 24 ते 48 ते मध्य विच है 28 ते 36। हुण असी 24 नूं 48 नाल गुणा करांगे, 8 × 32 2 / 3 8 × 16 = 3 19 4 × 16 6 / 1 4 × 8 = 9 2 9 6 = 15 5 / 1 9 10 = 11 तुसीं देख सकते हो 1152 साडा आंसर आ गया। हुण असी 28 नूं 36 नाल गुणा करना है, 8 × 6 = 48 8 + 4 6 × 12 4 = 16 8 × 3 = 24 4 + 2 3 × 6 8 साढ़े को आ गया 8 0 10 1008 साढ़ा आंसर आ गया जो कि बराबर नहीं ने। इस करके अंत पदा का गुणनफल बराबर नहीं आया मध्य पदा के गुणनफल लई, इसलिए सारिया रकमां जिहड़ियां ने समान अनुपात विच नहीं हन। सेम इसी तरह इंग्लिश वाला बच्चा लिखेगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम साढ़े को 1152 आया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन साढ़े को 1008 आया है जो कि बराबर नहीं आए ने, इस करके दीज नंबर्स आर नॉट इन प्रपोर्शन। इस तरह बहुत ही सौखे ढंग नाल आपां पहले सवाल के 3 भाग कंप्लीट कर लेने, हुण चौथा भाग करांगे। चौथे भाग विच भी देखो ध्यान नाल, साढ़े को अंत पद ने 32 ते 210 ते हुण असीं 32 नूं 210 नाल गुणा करनी है, तो 210 उपर रख लैने 32 थले 0 2 = 2 2 = 4 3 × 0 3 = 3 3 × 6 0 2 7 6 6720 साढ़ा आंसर आ चुका है, तुसीं देख सकते हो। तो मध्य पद ने साढ़े को 48 ते 70 हुण 48 नूं 70 नाल गुणा करांगे 0 0 7 7 56 6 / 5 7 × 28 = 33 ते साढ़े को आ गया जी 3360 जो कि बराबर नहीं है। इस करके अंत पदा का गुणनफल बराबर नहीं आया मध्य पदा के गुणनफल दे, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट
इन प्रपोर्शन या समान अनुपात विच नहीं है। इसी तरह बेटा इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हो, बिल्कुल सेम मेथड सेम तरीके नाल कर रहे हैं, बस गुणा ध्यान नाल करियो, गुणा दे विच गलती हो गई तो फिर क्वेश्चन गलत हो सकता है। इसी तरह इसका ई भाग तुसी देखोगे बेटा, ई भाग दे विच साडे कोल अंत पदां ने 4, 6, 8, 12 दे विच, 4 ते 12 ते सारे नूं पता 12 चौका 48 हुंदा है, ते मध्य पद 6 ते 8, 8 चौका 48 हुंदा है। इस तरह साडे जिहड़े दोनों बराबर आ गए ने, इस करके अंत पदां दा गुणनफल बराबर आ गया है मध्य पदां दे गुणनफल दे, इस करके दीज जिहड़े नंबर्स ने पद ने समान अनुपात विच होणगे। सिमित लई इंग्लिश वाले बच्चे देखो, इत्थे बराबर दा निशान पाउणा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर आ गया है प्रोडक्ट ऑफ मीनस दे, इस लई दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। इसे तरह असी एफ पार्ट करांगे बेटा, ध्यान नाल देखियो सारे, एफ पार्ट दे भी साडे कोल जिहड़े नंबर ने वो 33 नाल 100 नूं गुणा होनी है, इस करके 3300 आ गया, ते 44 नूं असी 75 नाल गुणा करके देखांगे। तुसीं ध्यान नाल देखियो सारे, हुण 44 नूं असी 75 नाल गुणा करन रहे हां, 5 चौका 20 0 पर 2 7 चौका 28 29 30 300 आ गया बेटा, ते फिर 300 ही आएगा, ते साडे कोल आंसर फिर दोबारा देखो 3300 आ चुका है, जो कि बराबर है, इस करके अंत पदां दा गुणनफल बराबर आ गया है मध्य पदां दे गुणनफल दे, इसलिए ये सारे पद जिहड़े समान अनुपात विच होणगे। इसे तरह इंग्लिश वाले बच्चे लिखणगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो कि 3300 आया है, प्रोडक्ट ऑफ मीनस भी 3300 आ गया है, इस करके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जिहड़े ने प्रोडक्ट ऑफ मीनस दे बराबर आ गए ने, सो दीज नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। तो इस तरह साडा पहला सवाल जिहड़ा है 12.2 अभ्यास का कंप्लीट हो गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होगी, जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो जरूर उसनों लाइक करो, जरूर कमेंट करो, तो मेरे चैनल नूं बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्यो।